सपा में घमासान, आजम की सीट पर बिगड़ी बात, मनाने के लिए अखिलेश खेल सकते हैं बड़ा दाव। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ने पर आजम खां और अखिलेश यादव के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है। आजम खां इस बात से नाराज है कि अखिलेश यादव उनके कहने के बाद भी रामपुर से चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। खफा आजम खां ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बारे में आजम की ओर से रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया है। वहीं बिजनौर में भी सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आजम ने पत्र में लिखा कि हमारे लिए चुनाव हमेशा गरीबों, मजदूर, युवाओं और आने वाली नस्लों का भविष्य बेहतर बनाने का जरिया रहा है। रामपुर की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है। पिछले दो उपचुनावों में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि रामपुर में मौजूदा माहौल को बदलने के लिए अखिलेश यादव का रामपुर चुनाव लड़ना आना जरूरी है। आजम का कहना है कि एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध चल रहा है और उद्देश्य केवल और केवल चुनाव हारना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। चुनाव के वर्तमान चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। मतदाताओं को डराने की तैयारी, अजय सागर। उधर सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि जिला स्तर पर सपा ने रामपुर सीट से चुनाव का बहिष्कार किया है। इस चुनाव में भी पिछले चुनावों की तरह मतदाताओं को डराने की तैयारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर सीट के लिए जो फैसला करेंगे सभी को मंजूर है। रुचिवीरा ने अमर उजाला से बताया है कि पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है और वे बुधवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने ये बताया है कि सिंबल के संबंधित प्रारूप पर वह यह भी लिख कर दिया गया है कि पूर्व में घोषित प्रत्याशी एसटी हसन का टिकट बदल कर उन्हें दिया गया है ताकि आयोग ने उन्हें सपा के अधिकृत प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह अलॉट हो सके। अखिलेश के नजदीकी सूत्रों ने भी मुरादाबाद से एसटी हसन के टिकट कटने की पुष्टि की है। हालांकि सपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।